चीन ने 90 पाकिस्तानी दुल्हनों के वीजा पर रोक लगा दी है। चीन प्रशासन ने यह कदम पाकिस्तानी लड़कियों की अवैध मानव तस्करी को रोकने के लिए उठाया है। बता दें, पाकिस्तान से ऐसी खबर आ रही थी कि यहां पर गरीब परिवार की लड़कियों को चीन अपने जाल में फंसाकर उन्हें चीन ले जाकर बेच रहा है। इसके लिए चीनी लड़के फर्जी धर्म बदलकर पाकिस्तान में वहां की लड़कियों से फर्जी निकाह करते हैं। कुछ दिन पत्नी के साथ गुजारने के बाद वो उसे लेकर चीन जाने की तैयारी करने लगते हैं। चीनी लड़के अपने सास ससुर को ये झांसा देते हैं कि चीन जाकर उनकी लड़की की तकदीर बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। चीन के फरेबी दूल्हे पाकिस्तान से चीन लाकर अपनी दुल्हनों की इज्जत का सौदा कर देते हैं, जो उनके लिए किसी एटीएम मशीन से कम नहीं है। ऐसी खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान में भी चीनियों के खिलाफ आवाजें उठी। चूंकि चीन ने पाकिस्तान में वन बेल्ट वन रोड योजना में अरबों डॉलर लगाए हुए हैं, इसलिए पाकिस्तानी हुक्मरानों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां रह रहे चीनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन दुनिया भर में थूथू होने के बाद अब जाकर चीन खुद पाकिस्तान से आने वाली 90 दुल्हनों के वीजा पर रोक लगा दी है। यानी अब फर्जी निकाह करके पाकिस्तानी लड़कियों की सप्लाई चीन में नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान में चीन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन लिजियान झाओ के अनुसार इस साल चीन नागरिकों के 140 आवेदन मिले जो अपनी पाकिस्तानी दुल्हनों के लिए वीजा चाहते थे। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने झाओ के हवाले से बताया, वीजा के 50 आवेदन मंजूर किए गए जबकि बाकी अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। दूतावास को 2018 में ऐसे 142 आवेदन मिले थे। बता दें, पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में संघीय जांच एजेंसी को आदेश दिया है कि वो शादी का झांसा देकर पाकिस्तानी लड़कियों की चीन में तस्करी करने में शामिल गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करे। शादी करवाने वाले फर्जी लोग ईसाई समुदाय की गरीब लड़कियों को धन और अच्छे जीवन का लालच देकर चीनियों तक सप्लाई करते हैं। चीनी राजनयिक के अनुसार दोनों देशों के नागरिकों के बीच होने वाली शादियों की संख्या में अचानक वृद्धि देखकर अधिकारी सतर्क हो गए। हालांकि चीनी अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि चीन लाकर पाकिस्तानी दुल्हनों से वेश्यावृत्ति कराई जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये पूरी दुनिया अच्छे तरीके से जानती है।